हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पोर्चुगल इमिग्रेशन की जो न्यूज़ आई है, जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं टीआरसी कार्ड जल्दी मिलने के बारे में, या फिर सैफ अपना काम एपीएमए को हैंडओवर कर रही है और हैंडओवर करने से पहले किस तरह से सारे बैकलॉग को क्लियर किया जा रहा है। ये न्यूज़ आपको सैफ की वेबसाइट पे मिल जाएगी या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्या न्यूज़ आई है, ये किन लोगों के लिए न्यूज़ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट देता हूं कि जिन भाई लोगों ने फाइल जमा नहीं करवाई है, फाइल लॉक नहीं करवाई है, वो जल्दी से जल्दी अपनी फाइल लॉक कराएं ताकि उनको इस स्पीड अप प्रोसेस का फायदा मिले। मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों से सुना है और मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि फाइल लॉक करने के या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अप्लाई करने के 300 से 500 यूरो लिए जाते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी फाइल खुद से जमा कराई है, मैंने अपना निफ्ट नंबर खुद अप्लाई किया है, निस्ट जो सुग्रांसो सोशल होता है वो मैंने खुद से अप्लाई किया है, अब मैंने अपनी एक्टिविटी खुद से ओपन करवाई है, बैंक अकाउंट खुद से ओपन करवाया है और सारे डॉक्यूमेंट्स को जो सैफ की वेबसाइट पे अपन अपलोड करते हैं जिसको हम फाइल लॉक करना कहते हैं वो भी मैंने खुद से किया है। मैंने कहीं पर भी किसी को कोई पैसे नहीं दिए जिस तरह से लोग 300 से 500 यूरो देते हैं। शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को फाइल लॉक करने में किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए फ्री में हेल्प कर दूंगा। अब असली टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों, जैसा आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है कि सैफ जो कि पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स देती है, जो डिपार्टमेंट है उसको सैफ कहते हैं, वो अपना काम अब एपीएमए को हैंडओवर कर रही है। एपीएमए पोर्चुगीज एजेंसी फॉर माइग्रेशन एंड असाइलम, ये सैफ की तरह ही एक अलग डिपार्टमेंट होगा जिसको अब ये सारा काम दे दिया जाएगा और वो अब से मतलब मार्च के बाद से इमिग्रेशन से रिलेटेड सारे केस वही देखेंगे। और उस ये सारा सब कुछ दोस्तों इसलिए किया जा रहा है कि इस प्रोसेस को बहुत ही स्पीड अप किया जाए, क्योंकि अभी जो लोगों की ईमेल्स आ रही है या टीआरसी कार्ड मिल रहा है उसको मिलने में दो दो साल का वक्त लग रहा है। सो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए अब ये नया कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी न्यूज़ वो ये है कि जो भी बैकलॉग बचा हुआ है 2021 एंड 22 का, उस सारे बैकलॉग को सैफ 31 मार्च 2023 से पहले पहले पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस तरह का उन्होंने प्लान बनाया है कि सारे बैकलॉग को इसमें ख़त्म कर दिया जाए ताकि एक नए सिरे से एपीएमए को हैंडओवर किया जाए। या इस तरह के अनाउंसमेंट पहले भी होते रहे लेकिन इस बार वाकई में कुछ अलग लग रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सैफ इस सारे काम को 31 मार्च तक ख़त्म कर देगी और सारी वेटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब सारे लोगों को टीआरसी कार्ड मिल जाएगा अगर उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखे हैं। तो अगर आपके पास आपकी पीसीसी नहीं है या फिर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अभी से उसी काम में लग जाए। अब बहुत सारे लोगों के ये मैसेज आ रहे थे कि भाई मेरा ये टैक्स नहीं गया है, मैंने फाइल लॉक करवा दी है, अब मेरा क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ दोस्तों, अगर आपके पास वाकई में जॉब नहीं थी तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि मेरा टैक्स इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास कोई जॉब ही नहीं थी। अगर आपने वाकई में कोई जॉब करी है या अब आपको मिल रही है तो आप अब से अपना टैक्स पे करना स्टार्ट कर दें। इसमें आपको बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी प्रोसेस किया जाएगा क्योंकि इसमें ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं था। सो दोस्तों, मोटा मोटा ये है कि अगर सैफ अपने सारे पेंडिंग बैकलॉग को क्लियर कर देती है 31 मार्च तक तो फिर एपीएमए के पास क्या काम बचेगा। एपीएमए के पास वो काम बचेगा जो जनवरी या फरवरी 2023 का है। सो आप देख लीजिए कि आपका नंबर कितना जल्दी आ सकता है क्योंकि उनके पास एक तो काम बहुत ही कम होगा, पहले का पूरा काम पूरा हो चुका होगा, और दूसरा अब जो नए लोग आ रहे हैं वो भी कम आ रहे हैं, और तीसरा एपीएमए को इसलिए ये काम दिया जा रहा है कि इस काम को पहले जितना टाइम ना लगे, मतलब कि वहाँ पे लोग भी ज़्यादा होंगे एपीएमए
एमएम में आप लोगों का काम करने के लिए, और उनका प्रोसेस भी बहुत फास्ट होगा। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि पहले जिस तरह से दो दो साल का टाइम लगता था टीआरसी में, अब वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब बहुत जल्दी ये प्रोसेस होगा और आप लोग खुशी से अपना टीआरसी कार्ड के साथ एक लीगल तरीके से आप लोग पुर्तगाल में रह सकते हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप की सबसे बेस्ट कंट्री है पोर्चुगल, आपका इतना ध्यान रखती है, इतनी आसानी से आप लोगों को पेपर्स मिलते हैं यहाँ पर, इतनी आसानी से आप लोगों को लीगल कर दिया जाता है, और उसके बाद में 5 साल बाद में आपको बहुत ही आसानी से पासपोर्ट भी मिल जाता है। दोस्तों मैंने कोशिश करी है आप लोगों को ये न्यूज़ को डिटेल में समझाने की, अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक जो छोटी सी हेल्प मैंने आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों की फाइल जमा नहीं हुई है या फिर निफ या फिर एसएनएस नंबर या आपके कॉन्ट्रैक्ट जुनता किसी भी चीज में आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए, आपको 300 से 500 यूरो देने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री में ये हेल्प मेरे से ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं, या फिर किसी बंदे की हेल्प लेके 20 25 30 यूरो में अपना ये सारा काम करवा सकते हैं। प्लीज आप जल्दी से जल्दी अपनी फाइल को लॉक करवाइए ताकि आप उस लिस्ट में, उस वेटिंग लिस्ट के अंदर आपका नाम ऐड हो जाए और आप उस लाइन में लग जाए और आपको जल्दी से टीआरसी का फायदा मिल पाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार देख रहे हैं। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।